सब्सक्राइब कीजिए आई लव डॉग्स को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो गाइस, अगर आप एक जर्मन शेफर्ड डॉग लेने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि प्योर जर्मन शेफर्ड डॉग कैसा होता है और कंफ्यूज हैं कि ब्रीडर कहीं हमें गलत जर्मन शेफर्ड डॉग ना दे दे, तो इसके लिए आपका यह वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो अंत तक बिना स्किप किए उस वीडियो को पूरा देखिए। गाइस, सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है और जर्मन शेफर्ड डॉग लेने का सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कहीं जर्मन शेफर्ड डॉग ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं होगा, तो इन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना कर रखी है। आप आई बटन पर इसे क्लिक कर देख सकते हैं और उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी अवेलेबल है। अब हम हमारे आज के टॉपिक पर आते हैं कि क्या आप जो जर्मन शेफर्ड डॉग ले रहे हैं वो प्योर ब्रीड का है या फिर वो प्योर जर्मन शेफर्ड डॉग है या नहीं, आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो आपको इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जब भी आप जर्मन शेफर्ड डॉग ले, तो इन बातों का ध्यान रखिए तो आप एक ठीक तरह का जर्मन शेफर्ड डॉग ले पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। गाइस, सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखिए कि जर्मन शेफर्ड कई कलर्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, रेड एंड ब्लैक, ग्रे, ब्लैक एंड सिल्वर एंड वाइट। लेकिन इंडिया में ब्लैक एंड टैन कलर काफी पॉपुलर कलर होता है। अगर आप किसी के पास भी जर्मन शेफर्ड डॉग देखेंगे तो अधिकतर लोगों की पसंद ब्लैक एंड टेन ही होती है और इंडिया में इजीली ब्लैक एंड टेन जर्मन शेफर्ड अवेलेबल भी हो जाते हैं। जैसे कि आप ब्लैक एंड टेन कलर का जर्मन शेफर्ड डॉग ले रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि उसमें जो ब्राउन कलर है वो चारों तरफ जर्मन शेफर्ड के फैला हुआ होना चाहिए, ना कि स्पॉट के रूप में दो तीन जगह होना चाहिए। जैसे कि ऐसा कभी नहीं होता है कि ब्राउन कलर का स्पॉट थोड़ा सा पेट पर है और थोड़ा सा उसके किसी और हिस्से में, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको यह देखना जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा हर हिस्से में शेड की तरह फैला हुआ होता है। जैसे कि ब्राउन कलर पंजों पर होता है, कानों पर होता है, पेट पर होता है और थोड़ा सा उसकी आंखों के ऊपर भी होता है। जैसे जैसे वो पपी बड़ा होता जाता है तो यह शेड और निखर कर आता है, यह शेड और खुलता जाता है, कलर कॉम्बिनेशन और बढ़ता जाता है। तो आप सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि कलर शेड के रूप में होना चाहिए, ना कि स्पॉट के रूप में। धब्बे नहीं होने चाहिए, केवल शेड के रूप में ही कलर को बॉडी पर फैला हुआ होना चाहिए। अब दूसरा तरीका जर्मन शेफर्ड को आइडेंटिफाई करने का यह है कि आप उसकी टेल को देखिए। उसकी टेल राउंड शेप में नहीं होनी चाहिए, उसकी टेल स्ट्रेट होनी चाहिए, नीचे की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई हो सकती है लेकिन राउंड शेप में नहीं होनी चाहिए और टेल घनी होनी चाहिए, बालों से भरी हुई होनी चाहिए, तो एक वह प्योर जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड होता है। जर्मन शेफर्ड को आइडेंटिफाई करने का तीसरा तरीका है उसके ईयर्स। उसके कान हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए, नीचे की तरफ झुके हुए नहीं होने चाहिए। हालांकि जब भी आप पपी लेकर आते हैं तो उसके कान नीचे की तरफ होते हैं, लेकिन लेब्राडोर जैसे या गोल्डन रिट्रीवर जैसे पूरी तरह नीचे की ओर झुके नहीं होते, थोड़े से वह ऊपर की ओर उठे होते हैं फिर नीचे की तरफ गिरे हुए होते हैं। जैसे जैसे आपका जर्मन शेफर्ड डॉग बड़ा होता जाता है उसके कान भी स्ट्रेट होने लगते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग के कान धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कान खड़ा हो जाता है, दूसरा कान नीचे ही रहता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए कान ऊपर हो जाता है फिर नीचे हो जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 महीने बाद आपके जर्मन शेफर्ड के दोनों कान खड़े हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी जर्मन शेफर्ड पपी लें तो उसके ईयर्स लेब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जैसे पूरी तरह नीचे की तरफ झुके नहीं रहते हैं, थोड़े से स्ट्रेट रहते हैं फिर ऊपर से गिरे हुए होते हैं, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। जर्मन शेफर्ड की बॉडी नॉर्मल डॉग्स के जैसी नहीं होती है। नॉर्मल डॉग्स की बॉडी स्ट्रेट होती है लेकिन जर्मन शेफर्ड डॉग की बॉडी स्लोप में होती है, ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई होती है और इसके जो पीछे वाले पैर होते हैं वो भी थोड़ा सा बेंड होते हैं। कभी कभी जर्मन शेफर्ड डॉग में लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम काफी आ जाती है। अगर आपके डॉग को भी लेग बेंडिंग जैसी प्रॉब्लम आ गई है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है कि कैसे आप अपने डॉग को सही कर सकते हैं, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। फिलहाल हम इस टॉपिक पर आते हैं कि जब भी आप जर्मन शेफर्ड डॉग लें तो उसकी बॉडी को देखें। आप उसे स्ट्रेट खड़ा करेंगे तो उसकी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप में होती है, आप उसे देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इस चीज को भी जरूर से देखें। जर्मन शेफर्ड डॉग दो कोट्स में अवेलेबल है, लॉन्ग कोट एंड शॉर्ट कोट।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा कोट लेना चाहते हैं, लेकिन जो भी कोट लेना चाहते हैं वो देख लें कि काफी शाइनी हो। अगर शाइनी कोट है तो ही लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इतना शाइनी नहीं है, तो उस कोट को आप इग्नोर कीजिए, उस कोट को आप ना लें। और आप जो भी पपी ले रहे हैं वो लेजी ना हो, इस बात को जरूर से देख लीजिए। आप उसके साथ थोड़ा सा खेलिए और देखिए उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा खेलता है, वो एक्टिव पपी है या नहीं, या ज्यादातर लेजी है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप एक प्योर जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड ले पाएंगे। गाइस, जब भी आप एक जर्मन शेफर्ड पपी ले रहे हैं तो आप उसके पंजों को उठा के देखिए, आप उसके जबड़े पर हाथ लगाइए और देखिए कि वह कितना हैवी है। जितना हेवी होगा उसका पंजा और उसका मुंह, आपका जर्मन शेफर्ड डॉग उतनी ही बेस्ट क्वालिटी का होगा। उसकी बोन्स मजबूत होनी चाहिए। आप इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जर्मन शेफर्ड असली है, कौन सा जर्मन शेफर्ड नकली है, और आप फ्रॉड से भी बच जाएंगे। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक प्योर जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छे डॉग ब्रीडर के पास से जर्मन शेफर्ड डॉग लें, जिस पर आपको विश्वास हो या जो काफी फेमस हो, उसी के पास से जर्मन शेफर्ड डॉग लें और उसका पेपर वर्क जरूर देख लें। जर्मन शेफर्ड डॉग लेने से पहले आप उसकी मदर को देखें, उसके फादर को देखें, कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर से वह प्रॉब्लम पपी में भी आ जाती है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखें। तो गाइज, यही था आज का टॉपिक। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो एक प्योर जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड ले पाएंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सके। मिलेंगे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।